अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सनी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम सब दोस्तों का प्रॉब्लम होता है कि हम सी ड्राइव में अक्सर छोटी रखते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो सी ड्राइव में लो स्पेस आना शुरू हो जाता है और हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद स्पेस ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा तरीका अगर पता चल जाए कि जिससे हम विंडो भी ना उड़ाएं और उसमें मज़ीद पार्टीशन के साथ हम इसमें मज़ीद हार्ड भी ऐड कर लें, तो आज हम उस सिलसिले में बात करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि हम हार्ड को जिस तरह के अब ये पार्टीशन देख रहे हैं, तो हम अगर चाहते हैं कि अगर ये पार्टीशन इतनी बड़ी है और हम इसको बग़ैर कुछ डिलीट किए, इसमें जो डेटा हमारा पड़ा है उसको डिलीट किए बग़ैर हम इसका कुछ हिस्सा अलग कर लें या उसको हम सी के साथ कंबाइन कर लें, तो ये बहुत ही आसान तरीका है और वो तरीका आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है फ्रेंड फॉर यू, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो आइए दोस्त, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये हमारे पास एक ड्राइव है, ठीक है, और उसमें को हम हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं बग़ैर उसको फॉर्मेट किए, तो हम कैसे कर सकते हैं बग़ैर डेटा लॉस किए। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि अभी अब हम ये ड्राइव देख रहे हैं, ये ड्राइव है तकरीबन 250 GB की, ठीक है, और हमारे पास अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं तकरीबन, तो हमें जो इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि जो डेटा है हमारे पास इसमें पड़ा हुआ, वो जितना हम इसको तकसीम करना चाह रहे हैं उससे कम होना चाहिए। यानी कि अगर ये 232 GB की है, हम अगर इसको 200 GB अलग करना चाह रहे हैं या मकसद 150 GB अलग करना चाह रहे हैं, तो पीछे 80 GB बचेगा। 80 GB के अंदर जो आपका डेटा होना चाहिए वो लेस देन 80 GB होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका डेटा ज़ाया होने का ख़तरा है। तो सबसे पहले आपने जो ख्याल करना है वो यही है कि जो इसके अंदर आपका डेटा पड़ा है, जितनी हार्ड आपकी फिल है, ठीक है, उससे आगे जितना हिस्सा आपका खाली है तो उससे थोड़ा सा कम उससे आप इसको अलग करें। तो चलें, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने माइक्रोकंट्रोलर पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हार्ड ड्राइव लगी हुई है 250 GB की, ठीक है। तो हम अब इसको बग़ैर डिलीट किए हम चाहते हैं कि हम इसके हिस्से बना लें, तो इसके लिए आप उस पर राइट क्लिक करना है और श्रिंक वैल्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पूछेगा कि आप कि कितनी मकसद पार्टीशन इसमें से निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको हाफ़ कर लूँ। अगर ये 23 है तो मैं इसको 11 या 12 कर लेता हूँ, ठीक है। हम 12 कर लेते हैं और हम इसको श्रिंक पे क्लिक कर देंगे। तो ये उस हिसाब देखो अलग हो चुका है। अब ये बाकी जो पार्टीशन है वो 110 GB अलग रह गई है और 122 GB अलग हो गई है, ठीक है। तो अब हमने सिंपली करना क्या है, इसको इस पे क्लिक करना है सिंपली न्यू वॉल्यूम पे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और इसको हम डब्ल्यू कर देते हैं, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। जी दोस्तों, अभी हमारे पास ये एक पार्टीशन थी और अब हमने इसको दो पार्टीशन में तकसीम कर लिया है और हमने हार्ड को फॉर्मेट भी नहीं किया। तो यहाँ भी मैं आपको चेक करवाता चलता हूँ। ये देखें, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक ही पार्टीशन थी जो टोटल 200 कुछ GB की थी, जबकि अब हमारे पास दो पार्टीशन शो हो रही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक पार्टीशन से उसका कुछ हिस्सा अलग करना। अब आप चाहते हैं कि ये पार्टीशन में आपका डेटा पड़ा है और आप चाहते हैं कि इसके साथ और पार्टीशन ऐड हो जाए ताकि आपको मज़ीद स्पेस मिल जाए, मज़ीद उसमें डेटा ऐड कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस ड्राइव को ख़त्म करके दूसरे में मर्ज करना चाह रहे हैं उस ड्राइव को आप पहले फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मेट करने के बाद वैसे ही जैसे हम माइक कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके उसकी मैनेजमेंट में गए थे, वहाँ पे आके ये डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। तो अब हमने इस ड्राइव का डेटा खाली करना है और इस ड्राइव के साथ हमने इसको कंबाइन करना है ताकि हमारे पास यहाँ वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए और यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसकी डिलीट वॉल्यूम करना होगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसका वॉल्यूम डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब हमने इस पार्टीशन को इसके साथ मर्ज करना है। हम चाहते हैं कि ये 110 GB जो है वो हमारी बढ़ जाए, 122 GB जो हमारी है वो 110 GB में ऐड हो जाए।
उसके लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करना है। ठीक है, एक्सटेंड पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें इसको नेक्स्ट कर देना है। तभी इस ये बता रहे हैं कि आपके पास इतनी जगह है जो ऐसे पड़ी है, अनलोकेटेड है, तो उसको हम नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें अब आपकी एक ही पार्टीशन दोबारा से हो गई है, ये हमारी 232 GB हो गई है। तो अब चलते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ। जी ये देखें, ये हमारी 232 GB की एक ही पार्टीशन हो गई है। तो इस तरह दोस्तों आप अपना हार्ड ड्राइव किसी को भी बढ़ा भी सकते हैं, उसको भी कम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं और हमारे चैनल फ्रेंड फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।